नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल समक्र एकेडमी में। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 20 क्वेश्चन। तो इसकी पहली वाली क्लास में हमने आपको बताया है प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 20 क्वेश्चन, और इस वाली सीरीज में अभी हम फिर से 20 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो पाए, जो आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा हैं या फिर रेलवे के क्वेश्चन NTPC वाला या ग्रुप डी वाला, तो उन सब में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 केले। हर क्वेश्चन से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो पहला है, 100 केले बेचने पर फल विक्रेता को 20 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ कितना है, मतलब परसेंटेज में बताना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, देखो पहले वाले केस में 100 केले बेचने पर, मतलब ये भी विक्रय है, और दूसरा फल विक्रेता को 20 केलों के विक्रय मूल्य के ही बराबर, मतलब दोनों में विक्रय है, तो इसमें क्रय मूल्य तो दिया नहीं, तो आप कैसे निकालोगे। तो इस प्रकार कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आप सीधा सीधा करना, जो बाद वाला है उसको लिखना ऊपर, उन दोनों का जो अंतर है इन दोनों का, तो इन दोनों का अंतर कितना है 80, बस यही कर देना 100 से मल्टीप्लीकेशन, अपना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको और अगर डिटेल में लिखना हो तो डिटेल में ऐसे लिख सकते हो कि लाभ बराबर 100 इंटू जो बात का विक्रय है यानी कि 20 बटे 100 माइनस 20 जो ऊपर वाला है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यही तरीका हमने ऊपर लिखवा दिया आपका। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 4 बार, फिर आ जाएगा अपना 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आराम से करेंगे, ठीक है। देखो, नमक के 558 प्रति क्विंटल बेचने से एक व्यापारी को 7% की हानि होती है, यदि 7% का लाभ चाहता है तो प्रति क्विंटल उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे हानि हो रहा है यानी कि माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा, लाभ हो रहा तो प्लस हो रहा, ठीक है। तो 100 माना जाता है, तो 100 में से जब 7 घटाओगे तो आ जाएगा 93% बराबर 558, और पूछ क्या रहा है, 7% लाभ चाहता है, यानी कि 100 प्लस 7 करोगे तो आ जाएगा 107%, यही निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सीधा सीधा है, जो पहले दिया था ए दिया था, तो बस इससे बना लो 107%, तो 107% बराबर क्या हो जाएगा 558 डिवाइडेड बाय 93 into 107। काट दो, किससे कटोगे, 3 से काट दो, नहीं कट रहा क्या, 3 कटेगा, 3 3 9 3 1 3 3 1 3 3 8 24 3 6 18 फिर 1 6 से, ठीक है। तो 6 का गुणा 107 में करो तो 6 7 42 और 6 6 642, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन दो बता दिए, तीसरा क्वेश्चन होगा जिसमें सेम परसेंटेज में लाभ और सेम परसेंटेज में हानि। सीधा सीधा हमने फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स स्क्वायर बाई 10, मतलब 10x/10 का होल स्क्वायर, और होता क्या है, हमेशा और हमेशा इसमें हानि होती है, स्टार करके नोट कर लो। कभी भी जब सेम परसेंटेज में भेजा जाए तो क्या होगा, तो कुल सौदे में कितनी, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना है 30, तो 30/10 करोगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 9% हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक खिलौने को 21.60 में बेचने से 10% की हानि होती है, क्या है, 10% की हानि होती है यानी कि माइनस, इस पे 20% लाभ कमाने के लिए, तो लाभ क्या प्लस, तो माइनस करोगे 100 माना जाता है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 90%, 90% बराबर 21.60 चाहिए, क्या है 20% प्लस, मतलब 120% चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दिया जो था बटे में पहले वाला ए वाला, तो ये 90, निकालना क्या है 120, यानी कि 120 का इंटू करोगे, 10 हटाओगे 00 बढ़ाओगे, 1 2 1 2, 3 से काट दो 3 30 3 4 12, 3 से ये भी काट दो, तो 3 से जब ये काटोगे तो कितना काटोगेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 30 7 21, 3 2 6, और 72 गुणा 4 में करोगे 4 2 8, 4 7 28, बटे में 10 है तो 28.8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्या भाई आ जाओ, 25 देखो क्या है, ए ने एक रेडियो खरीदा, ठीक है भैया एक रेडियो खरीदा, उसके बाद में क्या, इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए, तब ए ने इस रेडियो को बी को 120% में, ठीक है। तो यहाँ से समझो, ए ने रेडियो खरीदा होगा तो समझ लो एक्स रुपये में खरीदा, और मरम्मत में 110 रुपये खर्च किए, तो इसकी अब नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 110 प्लस हो जाएंगे इसमें, तो भैया रेडियो कितने का हो गया 110 प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस 110। इसके बाद में उसने बी को 20% लाभ पे बेच दिया, लाभ मतलब प्लस होंगे, तो 120/100। बी ने इसे सी को भेजा फिर से 10% हानि पे, तो माइनस होगा, तो 100 में से 10 घटेंगे 90/100।
फिर सी ने इसे 10% लाभ पे बेचा, तो 10% लाभ मतलब प्लस होंगी, तो कितना हो जाएगा 110 बटे 100, और ये पूरा किसके बराबर है अपना जो आखिरी में दिया रहता है यानी कि 1188। बस काट पीट दो, कुछ नहीं करना है। तो जब इसे काटोगे क्या आएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटो, 11 एकम 11 और 11 8 88 108, और कुछ कट रहा है क्या? 9 से काट दो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 12 और 12 से 12 कट जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 10 10 100 और 1000, यानी कि x प्लस 110 बराबर 1000, और a प्लस का है इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 110 इसमें से घटा दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 10 में से 11 9 2 हो जाएंगे, 10 में से 2 गए 8, यानी कि 890 अपना आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, 890 यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य इतना है, एक घड़ी को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है, कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य बताना है। कोई दिक्कत नहीं, देखो दो घड़ियां हैं जिनका मूल्य 840 है, तो एक का मान लो अगर कलर चेंज कर लो, कौन सा ले लो, रेड ले लो, अगर एक का मान लो एक्स तो दूसरे का कितना हो जाएगा 840 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक को भेजा 16% लाभ पर, लाभ मतलब प्लस 100 मान लो टोटल 100%, तो पहले को 16% लाभ पर मतलब एक्स का 116% और दूसरे को 12% की हानि पर, तो 12% 100 में से 12 जाएंगे 88, यानी कि 88% ऑफ 840 प्लस एक्स, और इसमें क्या हुआ ना तो उसे लाभ हुआ ना घाटा हुआ, मतलब इन दोनों का जो प्राइस है वो सेम इस क्रय मूल्य के दुगने के बराबर होगा। अरे भैया पूरे के, तो पूरा कितना था 840, तो 840 के बराबर ही रख दो, बस इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन कैसे करोगे सरल तरीके से, दो से काटो, दो से इन तीनों को काट दो। ठीक है, तो दो से काटोगे तो 2 5 10 2 8 16 4 4 और 2 से और काटो 420, अब कैसे काट दो, दो से फिर काट दो तो 2 2 4 2 9 18 22 2 1 0। ठीक है, और कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा, कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद में जो लाभ पे भेजा गया था, लाभ पे कौन सा था ए वाला, तो बस इसमें वैल्यू रख देना जितनी भी आ जाए एक्स की वैल्यू, वही अपना लाभ वाला हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे, अगर नहीं आए तो फिर हम बता देंगे। चलो अगला करते हैं, एक व्यक्ति ने, ऑप्शन देख लो इसके वरना बाद में कहो कि कौन सा है। ठीक है, 27वां देखो, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 40% की छूट पर खरीदी और उसे अंकित मूल्य से 50% पे अधिक में बेच दिया, तो उससे लाभ कितना होगा। देखो मान लो वस्तु थी 100 रुपए की, उसने 40% की छूट पर खरीदी, तो इसका 40% जब छूट करोगे माइनस 40% तो कितना आ जाएगा 60%, और 60% 100 का कितना होता है 60 रुपए। ठीक है, इसके बाद में 50% अधिक में वृद्धि किससे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य था 100, इसका 50% कितना हो जाएगा 150। ठीक है, बस वो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, उसे कितना लाभ हुआ, तो 60 रुपए की कोई चीज 150 रुपए में बेचोगे तो कितना लाभ होगा, जितना लाभ हो, तो 60 में से 150 यानी कि 90 लाभ, टोटल क्रय मूल्य कितना था 60 गुणे 100, इसको सॉल्व करोगे काटोगे तो 3 2 3 3 3 2 से 50 बार और 5 3 15 यानी कि 150% हमारा प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, सोहन ने दो रेडियो, अच्छा क्वेश्चन है, सोहन ने दो रेडियो 3200 की में खरीदे, उसने एक रेडियो 25% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है। इसे यहां पे बूनी कर देना कि 25/10 का स्क्वायर कर दिया, यहां पे परसेंटेज नहीं पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो इसे करने का तरीका, दो रेडियो है तो पहले की कीमत मान लो एक्स, तो दूसरे की हो जाएगी 3200 माइनस एक्स, पहले पे उसे लाभ हुआ कितना 25%, तो इसका 25% मतलब 125% ऑफ एक्स, और दूसरे का विक्रय मूल्य, इतना विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो इसके बराबर में ए बराबर, और ए क्या है 25% हानि, तो 100 में से 25 जाएंगे यानी कि 75/100 किसका 3200 माइनस एक्स, बस इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 100 से 100 कट जाएगा, 25 3 75 और 25 5 125, जब इसे पक्षांतर करोगे तो ये 3x हो जाएगा, इसमें प्लस होएगा तो क्या हो जाएगा 8x, यानी कि 8x बराबर 3 × 3200 और 8 से ये काट दो
आठ दूनी 16, 8 चौके 32, 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 थी 12, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 1200। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 1200। अब वो क्या कह रहा, विक्रय मूल्य निकालना है, तो चाहे इस तरफ से कर दो इस वाला, चाहे वो वाला करते। तो देखो इस वाले में सरल है, क्यों, 125 बटे एक्स है, तो 125 इस तरफ का विक्रय मूल्य बड़े एक्स की वैल्यू यानी कि 1200। 0 से 0 कट जाएंगे और 12 5 60 6, 12 2 9 24 और 6 24 और 36 यानी कि 3, और 12 3 15 यानी कि 1500 अपना आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चाहे इस वाले से कर लो चाहे उस वाले से, उस वाले से कैसे, एक्स बराबर 1200 आ गया। देखो उस वाले से देख लो क्या था, एक की वैल्यू आ गई थी, एक मिनट रुको, 3200। तो उस वाले का क्या था, 3200 माइनस एक्स, और इसका कितना 75%। तो बस इसमें वैल्यू रख दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी 1200, तो 3200 में से 1200 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2000, और 2000 का 75%, तो 0 से 0, 0 से 0 और 75 दूनी 150, तो यहाँ से भी 1500, चाहे इस तरफ से निकाल लो चाहे इस तरफ से, क्योंकि दोनों का तो विक्रय मूल्य बराबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 होता है। देखो अंकित मूल्य मान लो 100, 20% की छूट दे दी तो क्या हो गया 80, और 80% कितना दिया था 24, बस क्या था, अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने से विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले तो 100% निकालो, तो 100% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 24 बटे 80 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 8 3 24 यानी कि अंकित मूल्य हो गया 30, जो 100% था ना, ये अपनी वैल्यू निकाला 30, और वो कह रहा 30% छूट दे रहा यानी किसी का 70%, और 70% निकालोगे तो 1 0 1 0 7 3 21, और ऐसे नहीं तो 30 का 30% निकाल लो तो ये आएगा 9, और 30 में से जब 9 घटा दोगे क्योंकि छूट है ना, तो 9 घटाओगे तो 30 में से 9 का 21, यहाँ से भी अपना 21 आंसर आ गया। जैसे भी करना हो, तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक, ये वाला देखो, एक वस्तु को 575 में बेचने पर जितना लाभ होता है, तो अगर लाभ होता है तो लाभ का मतलब है इतने विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, तो क्रय मूल्य मान लो एक्स, तो विक्रय मूल्य 575 माइनस एक्स, एक तो ये हो गया, जितना लाभ होता है उतना ही नुकसान उसे इतने में बेचने पर होता है, तो जब कभी नुकसान होता है तो ये वाली संख्या माइनस की जाती है किससे, क्रय मूल्य से, तो दूसरे में हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस 385। बस पक्षांतर करना है, ये माइनस का स्तर बजाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस का स्तर बजाएगा प्लस हो जाएगा, 5 5 10 एक, 8 2 16 एक, 960, और माइनस एक्स जाएगा 2x, यहाँ से एक्स की वैल्यू की निकालोगे 2 से भाग कर दो, 2 4 8 2 8 मतलब 480 अपना आंसर। देखो चेक करो ऑप्शन नंबर डी 480 लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक वस्तु को 625 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 435 में, सेम क्वेश्चन है जैसे आपने अभी किया था, सेम वैसे क्वेश्चन करना है, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क, और वो वाला भी होमवर्क, दो क्वेश्चन इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हमें पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन आ गया, बहुत बार रिपीट हो गया है, सेम कभी लाभ हो या सेम हानि हो तो हमेशा हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस कितना होता है, जो परसेंटेज दी हो बटे में 10 का स्क्वायर, कर लोगे आप लोग, आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अच्छा क्वेश्चन है वाला, देखो एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देने का दिखावा करता है, कि मान लो अगर 100 की होगी तो हम 90 में दे रहे हैं इतना, ऐसे बोल रहा, लेकिन वो क्या कर रहा, प्रत्येक वस्तु पर दामों पर 20% वृद्धि कर दी, तो 100 पे 20% वृद्धि करोगे मतलब 120 की कर दी उसने वृद्धि। ठीक है, और अब वो क्या कह रहा, इस पे हम 10% छूट दे रहे हैं, तो इस पे 10%, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा 12, अरे 10% निकालोगे तो 12 आएगा, तो इसमें से 12 घटा दो तो कितना आ गया 108। देखो चीज थी 100 रुपए की, बेच रहा है 108 की, कितना उल्लू बना रहा, यानी कि 8% का प्रॉफिट कमा रहा, तो उसकी प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ 8% आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला देखो, हामिद ने वही सेम क्वेश्चन आ गया, देखो दो घोड़े समान मूल्य पर खरीदता है, एक पे 10% लाभ 10 पे हानि, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या होगा, लॉस होगा, कितने का होगा 10 बटे 10, यानी कि 1% का लॉस होगा। देखो उसे 1% का लॉस, जो भी आंसर में आए टिक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, देखो ऑप्शन है सी। ठीक है, ए वाला देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अजय ने 15 किलोग्राम दाल इतने रुपए प्रति किलो में और 10 किलो दाल इतने रुपए प्रति किलो में खरीदी, तो देखो पहले तो टोटल दाल निकाल लो, टोटल रुपए, तो 15 और 10 किलो कितने हो गए 25 केजी,
और टोटल दाल के रुपए कितने हो गए, तो 15 किलो दाल है इतने प्रति किलो, तो पहला हो जाएगा 15 × 14.50, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 7 15 × 4 = 60, 67 6 15 × 6 = 21, 5 × 2 मतलब 217, ये हो जाएगी पहली वाली दाल की। प्लस दूसरी वाली दाल है 10 रुपये प्रति किलो, 13 किलो, तो 130, तो टोटल रुपये कितने खर्च हो गए, 10 लोग पीछे 10 लोग, यानी 10 लोग 50, 7 × 4 = 347, 10 लोग 50 रुपये की। अब वो क्या कह रहा है, जो टोटल दाल हुई इतनी, इसे वो 15 की दर से बेच रहा है, तो 25, अब 15 की दर से बेच रही, तो 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 30, 7 × 37, इतने रुपए। अब वो कह रहा है कितने का लाभ हुआ, तो 375 में से 347.50 घटा दो, जो अपना आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था आपको, 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर आता है, जब कभी ऐसा होता है तो ऊपर लिखो जो बाद में बेचा जाए, बाद में इन दोनों का क्या अंतर, तो 100 में से 20 जाएंगी 80 × 100, और ये जब करोगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 25 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन बताया था हमने, पहले की जैसा ही है सेम। ये वाला देखो, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, तो हानि हो रही है तो मतलब माइनस किया होगा कितना, 25, 100 में से 25 जाएंगे, यानी कि 75% = 720, चाहिए कितना है 25% लाभ चाहिए, यानी कि निकालना है 125%, सीधा सीधा 100% निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपन लोग इतने आगे पहुंच चुके हैं, सीधा सीधा निकालो 720 × 75 × 125, काट दो 25 × 75, 25 × 125, 3 से 1 काटो, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 240 × 5 यानी कि 5 × 5 = 20, 2 × 5 = 10, 2 × 12 = 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कापी में लिख लेना, किताब में लिख लेना, दिमाग में लिख लेना, जहां पे लिख पाओ वहां पे लिख लेना, ठीक है। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू, तो यहां पे लिख लो रुपए, यहां पे लिख लो नींबू, देखो 1 रुपये में 2 नींबू बेच रहा, खरीद रहा, तथा 3 रुपये के हिसाब से 5 बेच रहा, तो ए हो गया क्रय, ए हो गया विक्रय। कभी भी ऐसा केस आया कि 1 में 2 चीजें बेचे या 2 में 1, तो हमेशा हमेशा चीजों को बराबर कर लो, तो चीजों को बराबर करने के लिए यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो यहां पे क्या करो, चीजों को बराबर करने के लिए यहां पे 5 से गुणा कर दो, यहां पे 2 से, तो 10 10 हो जाएगा, तो जब इसे 5 से करोगे तो हो जाएगा 10, ए भी हो जाएगा 10, और 5 में से गुणा किया तो इस तरफ भी 5 होगा, यहां पे 2 से गुणा किया तो यहां पे 6। अब देखो 10 चीजें 5 की ली थी और 6 की बेच दी, 5 की लेके 6 में बेच रहा है, तो कितना फायदा होगा, 1 रुपए का, दिख रहा ना, 1 रुपए का फायदा हो गया, और किस पे, जो चीज क्रय की जाती, मतलब 5 वाले पे, तो देखो 1 और क्रय कितना था 5 × 100, और जब इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपए का फायदा, ऑप्शन नंबर सी। करने का बेहतरीन तरीका है, ऐसे ही की जाती है, हमेशा चीजों को बराबर करो, रुपये को अंतर निकालो, हमेशा किराए पे निकालोगे और लाभ आप हानि, ठीक है। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक ही प्रकार की 21 वस्तुएं क्रय मूल 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो देखो 21 वस्तुएं क्रय कर रहे हो, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसे कैसे करोगे, इसको करने के लिए आपको दिया जाता है 1 मिनट, तब तक हम भी सोच रहे कैसे करना है, एक ही प्रकार की वस्तुएं इतनी क्रय की, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 21 CP = 15 SP, तो CP/SP = 15/21, कितना लाभ हो रहा, 6, किस पे, 15 पे × 100, करो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10, यानी कि 40, 40% यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या करो, CP और SP कर लिए ना, देखो एक ही प्रकार की क्रय मूल मतलब CP, तो 21 CP = 15 विक्रय मूल, तो 15 SP बस, और CP/SP कर दो मतलब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, तो ये आ जाएगा 15/21, तो देखो 15 की चीज खरीदी 21 में बेच रहे हो, तो लाभ कितना हो गया, 15 से 21 तक मतलब 6 निकाला, किस पे जाता है, क्रय मूल पे, तो क्रय मूल कितना है 15 × 100, बस यही तो निकाला है, इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आ गया था कितना, आ गया था फिर से काट दो, किससे काट दे, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 5 से 20 = 40, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का, बिक्री किए जाने वाला माल उत्तरोत्तर मतलब फिर से अगेन एंड अगेन 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरता है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक अपने क्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ अर्जित करते हुए आगे बढ़ता है,
यदि अंतिम व्यापारी ने माल 250 रुपए में बेचा हो तो पहली बार देखो तीन व्यापारियों ने खरीदा तो मान लो एक्स कीमत थी और हर बार 25% लाभ हो रहा, तो पहले को 125 मिलेंगे, दूसरे को 125 मिलेंगे, तीसरे को 125 मिलेंगे, बटे में कितना आ जाएगा 100, 100 और 100, और यही सब आखिरी में कितने का मिल रहा 250 का। तो बस एक कैलकुलेशन सॉल्व करनी थी, तो 25 से काट दो तो सारे कटेंगे 5 4 5 4 5 4, और ये काटो तो 5 25 ये 10 बार, फिर से 5 से काटो तो ये 2 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 दूनी 128, अपना राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप अगेन आपके 20 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस की, तो टोटल हमारे प्रॉफिट लॉस के अपने 40 क्वेश्चन हो गए हैं। सबको एक एक बार सॉल्व कर लेना, करके देखना, मजा आएगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो इसके साथ में कोई नया टॉपिक लेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है, बाय बाय।